नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नटेरन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन SDM शैलेंद्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जूना अखाड़े के साधु श्री कल्प वृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज व उनके चालक नीलेश तेलगड़े की महाराष्ट्र के पालघर में हत्या कर दी गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड मंत्री नीरज दिलेरिया ने उक्त घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर मृत्युदंड दिया जाए। अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की तो संगठन को मजबूर होकर पूरे देश में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड मंत्री नीरज दिलेरिया भी मौजूद रहे। इसके साथ ही उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ज्ञापन दिया किस संदर्भ में दिया गया? महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया जो कि महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के दो महंत और उनके परिचालक जो थे उनके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है पालघर में बेधर्मियों द्वारा। उसके संदर्भ में आज ये ज्ञापन दिया गया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा, जिससे हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से ये उम्मीद करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मृत्यु में दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाए। अगर इस कार्रवाई में समय लगता है तो इसके लिए संगठन उग्र हो जाएगा और पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज इस तारीख को 27 तारीख को अपन ने ज्ञापन दिया है जो 16 अप्रैल की जो घटना थी उसके संदर्भ में माननीय SDM साहब को दिया गया। खबर समय जगत के लिए नटेरन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।